नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। जी नमस्कार। अगले चुनाव में भाजपा का क्या मुद्दा रहेगा? 2G, कोलगेट, FDI, ब्लैक मनी, क्या? देखिए, इस सरकार के 10 चेहरे हो गए हैं। 2G भी है, ब्लैक मनी भी है, इस सरकार भ्रष्टाचार भी है, इसमें कोलगेट भी है, लेकिन रावण रूपी सरकार के कितने भी रूप हों, हमें मालूम है कि हमें तीर कहाँ चलाना है। लेकिन क्या भाजपा का सिर्फ एंटी कांग्रेस ही मुद्दा है? आपका अपना कुछ पॉजिटिव नहीं है? ये तो एक नेगेटिव है कि ये नहीं 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 हाँ क्या है भाजपा का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा सच्चा विकल्प देने को तैयार है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी का जो मॉडल था सरकार का, वो देने को हम तैयार हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को तैयार हैं। और क्योंकि हमारी सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई, और एक टर्म और दो टर्म, दूसरा टर्म ये हो रहा है, वाजपेयी सरकार पर उंगली नहीं उठी, और क्योंकि वो सरकार अच्छी थी। ये सही है कि हम वो सरकार हम जीत नहीं पाए थे। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन टीम अगर एक मैच नहीं जीतती है तो दूसरा नहीं जीत सकती। ठीक है, हम दो मैच कांग्रेस से हारे हैं, लेकिन इस बार हमारी टीम अच्छी है, हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, हमारा विचार अच्छा है, हमारा गठबंधन अच्छा है, और हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक शुभा नहीं है। लेकिन NDA में तो एक यूनिटी नहीं दिख रही है। एकदम यूनाइट है इंडिया। JDU, शरद यादव जी भी अलग से गुजरात में इलेक्शंस में जा रहे हैं, ही इज नॉट वो तो विद पहले देम। भी गए थे जब 2000। लेकिन अब जब इतना जरूरी इलेक्शन सर पर है, तो एक बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट, और खास करके प्राइम मिनिस्टर देखिए, कैंडिडेट लेके। जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है। हमारे साथ बिहार में RJD को हटाने के लिए हम दोनों ने गठबंधन किया, और वो गठबंधन आगे चला, वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनी, और हमने RJD को बिहार से हटाया भी। और नीतीश कुमार जी BJP JDU के दोनों के नेता के तौर पर नया बिहार नीतीश कुमार, ये नारा देकर हम चुनाव में गए, और उन पर जितना JDU के लोगों का हक है, उतना ही BJP के लोगों का भी हक है, क्योंकि उनको नेता मानकर सबने चुनाव लड़ा। तो बिहार में पार्टी एकदम एकजुट है, इकट्ठी है। कई राज्य में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट में, UP में पिछली बार अलग लड़े हैं, और गुजरात में भी पिछला चुनाव नहीं, 2002 का भी, 7 का भी, वो चुनाव हमसे अलग लड़े, और उनको ये पूरा अधिकार है। ये हमारे बीच में कोई विवाद है इस वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। आपने कह दिया अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, मान गए वो बात, लेकिन क्या हर्ज है? ये सुषमा स्वराज जी यस, नरेंद्र मोदी यस, नीतीश कुमार यस, एक कैंडिडेट आज खड़ा करने में, जिससे कि आम जनता की दिमाग में थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए, जितने नाम आपने लिए हैं, इसमें कोई शक क्या है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुषमा जी से किसका मुकाबला हो सकता है, नरेंद्र भाई के विकास से क्या मुकाबला हो सकता है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार का पुनर्निर्माण किया है, क्या मुकाबला, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बिहार उन्होंने किया है। उसी तरह हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, जिस तरह आपने एक माला पहन रखी है, मोती की माला, तो इसमें जो एक मोती अच्छी है कि दूसरी मोती अच्छी है, सारी मोतियाँ अच्छी हैं, अब कौन मोती मुख में लगेगी ये समय बताए। ऐसा नहीं है कि कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस बहुत है, हम पहले नाम बताना नहीं चाहते, हमारे विपक्षी नज़र लगा देंगे, हम सही वक्त पे नाम बताएंगे। आपके NDA के एली हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही कटाक्ष एक टिप्पणी करी कि बिहारी के पास परमिट होना चाहिए महाराष्ट्र में काम करने का। आप अपने प्रदेश के लोगों के लिए दिल्ली में भी बहुत काम कर चुके हैं, रिक्शा पुलर्स को आपने यूनाइट करके किया, वहाँ के जो गरीब लोग भी हैं दिल्ली, आपके बिहारी जो हैं, आपने उन काम करते हो, कैसा लगा जब आपका आपका ही एक NDA का एली ने इतनी बड़ी बात कही? देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी, इसका वजूद इस बात पर टिका है कि हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट के खिलाफ अपने प्राण त्याग दिए, परमिट राज के खिलाफ बगावत की, और उनकी शहादत हुई। तो हम इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक परमिट के खिलाफ हैं, और हम ये मानते हैं कि इस देश में, इस राष्ट्र में परमिट की ज़रूरत नहीं है, तो महाराष्ट्र में भी कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये एक वैल्यू के ऊपर बात है, ये एक देश की एकता
अखंडता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, उसके बावजूद एनडीए में एलीज है, साथ साथ है। देखिए, हमें लड़ाई बड़ी लड़नी है, हमें कांग्रेस के नहीं, खिलाफ ऐसा नहीं हो कि जी जो अब हम लोग कांग्रेस से सुन रहे हैं कि भाई गठबंधन पॉलिटिक्स है, नहीं, सुनना ऐसा नहीं पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी भी। 2014 में वही आपसे देखिए, सुन। शिवसेना हमारे साथ बहुत पुरानी अलाई है। जेडीयू और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी ट्रस्टेड अलाई है, और अकाली दल तो हम लोगों के बीच में, हम एक दल तो नहीं। अगर एक ही दल होते तो फिर एक झंडा कर लेते, एक संविधान बना लेते, एक विचारधारा हो जाती। हम अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी, अलग अलग झंडा, अलग अलग निशान के होते हुए भी, हमारे विचार इस देश में अच्छी और साफ सुथरी सरकार देने के लिए एक है। इसलिए जो बीजेपी सोचेगी वही जेडीयू सोचेगी, जो जेडीयू सोचेगी वही शिवसेना देखिए, सोचेगी, छोटी मोटी ये बातों पे कैसे मैं हो भी नहीं सकता है? कहती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, या आप इसको एक छोटी बात मान रहे हैं? नहीं, हम तो इसको बड़ी बात मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई परमिट सिस्टम नहीं होगा। हमारी सरकार अगर महाराष्ट्र में आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसमें होगी, तो हम परमिट और एक देश में एक विधान एक निशान के पक्ष में वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। आम आदमी पे आज सबसे ज़्यादा बोझ है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का है। आज आपके लिए शायद बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब और अगर भाजपा पावर में आती है एनडीए के साथ, तो आप क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का सपना है कि राज्य के हर गरीब को छत मिले। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं गरीब वर्ग के लिए राज्य में 12,000 से अधिक आवासों के निर्माण की अनेक आवासीय योजनाएं। इसी के साथ संवर्ग समाज के अन्य वर्गों के लिए भी मंडल इस वर्ष 3,000 से अधिक आवास उच्च एवं मध्यम आय वर्ग को मुहैया कराने के लिए तत्पर है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर आवासीय योजना, इंदिरा गांधी नगर तथा मानसरोवर आवासीय योजना सहित उदयपुर, नाथद्वारा तथा धौलपुर की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। आरक्षण से तो सिर्फ अमीर ही पनपते हैं, गरीबों के घर तो आज भी चूल्हे तक नहीं जलते। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। चलिए शर्मा जी, हो गया सारा काम। एक मिनट गोयल साहब, ये लाइट और पंखे बंद कर दूं? अरे घर चलिए शर्मा जी, पियोन आके कर देगा। नहीं गोयल साहब, आप जानते हैं पियोन के आने तक कितनी बिजली वेस्ट हो जाएगी, और पावर प्लग वाले उपकरण तो बंद होने के बाद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। अगर हम ऑफिस से जाते समय बिजली के उपकरण बंद करने का ध्यान रखें तो काफी बिजली बचा सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिल्कुल याद रखूंगा शर्मा जी। बड़े अच्छे लगते। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल कीपर। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा, आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत, अपने हक के लिए अब तो जागो। मंगलम बिल्डर्स, आपका सपना हमारा प्रयास। राजस्थान्स बिगेस्ट सेंट्रल पार्क, राजस्थान्स बिगेस्ट स्विमिंग पूल, राजस्थान्स बिगेस्ट क्लब हाउस, राजस्थान्स बिगेस्ट सोसाइटी, अब सब कुछ होगा बिग आपकी अपनी पिंक सिटी में। मंगलम्स आनंदा, मंगलम बिल्डर्स, आपका सपना हमारा प्रयास। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल है आज हमारा देश,
ग्रोथ हम लोगों को दिख रही नहीं हो रही है, आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का। क्रिटिसाइज करना शायद बहुत आसान है, आप क्या करेंगे अगर आप पावर में आते हैं? देखिए, हम आम आदमी को ध्यान में रखकर नीति बनाएंगे। हम भारत को अभी तक नहीं बनाई, अभी तक बनाई नहीं सोचा। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी हुकूमत थी तो हमने कहीं से भी भारतीय के हित में अहित न हो इसको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई। हम ये चाहते हैं कि इस देश का विकास हो, लेकिन हम विदेशियों के हाथ में इस देश को गिरवी नहीं रखने देंगे। और इसलिए हमने वॉलमार्ट का विरोध किया, इसलिए हमने FDI रिटेल का विरोध किया। हम कई चीज़ों में प्रोग्रेस के पक्ष में हैं। नहीं, लेकिन FDI का रिटेल अगर आपने विरोध किया है, ठीक है, हम अपना देश बाहर वालों के हाथ में नहीं देंगे। एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है आज भाजपा के पास, आप अल्टरनेट और सक्सेसफुल मॉडल अपनी प्रदेश में दिखाएंगे जहां आपकी सरकार है? हम दिखा रहे हैं, चलिए बिहार, चलिए मध्य प्रदेश, चलिए छत्तीसगढ़, चलिए गुजरात, चलिए पंजाब, वहां पे थोड़ा सा भी FDI इन रिटेल नहीं आएगा। कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस है जो NDA स्टेट नॉन NDA स्टेट से पीछे हो? FDI इन रिटेल भाजपा रूल स्टेट्स में किसी परसेंटेज में नहीं आएगा या 10-15-25 कुछ सोचेंगे? अभी तक तो हमने सोचा नहीं है कि हम आने नहीं देंगे। किसी प्रतिशत में नहीं, अभी नहीं उससे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आम आदमी और कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी? ये तो कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है कि विदेशी आएंगे। आज जो हमारे शॉपिंग मॉल हैं, क्या वो अमेरिकन्स के हैं? वो भी तो हमारे हिंदुस्तानियों के हैं। आज हमारे पास एक अलग अलग चेन कई चीज़ों की चल रही है, तो क्या उसमें मालिकाना हक भी भारतीयों का है? और सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज भी भारतीय हैं। अब क्या किया जा रहा है, मालिक होंगे अमेरिकन और भारतीय होंगे सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज, यानी हमारी जो कंट्री है उसमें एक बड़ा कंज्यूमर है। तो हम कोई हमारे भारत में क्या चैरिटी करने आ रहा है वॉलमार्ट? हमारे देश के कंज्यूमर पर उसका ध्यान है, इसलिए हमारी जेब पर नज़र है, इसलिए वो आ रहा है। और भारत के लोग सक्षम हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में है क्या वॉलमार्ट? वो जितने उनके बड़े शहर हैं वहाँ तो वॉलमार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में ज़रूर लाकर वो खोल देंगे। क्या वो पैमाना जो अमेरिकन पैमाना है वो यहाँ लागू होगा? एकदम नहीं होगा। ये पूरी तरह से अमेरिकन इकोनॉमी दिक्कत में है, इसलिए भारत की इकोनॉमी कहीं भी जाए भारत के लोगों को ध्यान में रखकर, इस कंज्यूमर को ध्यान में रखकर वॉलमार्ट को यहाँ ले आओ, FDI रिटेल सेक्टर में ले आओ। और ये बहुत बड़ा कदम है, ऐसा कदम जिससे देश को फायदा होगा कि अमेरिका को फायदा होगा। 2001 में आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, FDI इन एविएशन आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको भी बिल्कुल नहीं करते? FDI इन जो एविएशन है उस पर हमारी पार्टी ने कहा है कि एविएशन सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, लेकिन FDI इन एविएशन जो भी लाया है उसमें भी हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया। हम ये मानता है, ये पूरी विचार विमर्श कैसे करेंगे जी, पार्लियामेंट में कोई काम तो होता नहीं? पार्लियामेंट में कोई रोज विचार करते हैं हमसे? वो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ऐसे लगा कि एडजॉर्नमेंट सेशन चलता रहा। नहीं, पार्लियामेंट में आप गलतियां करेंगे और कहेंगे कि उनकी गलतियों पर ताली बजाने के लिए पार्लियामेंट में गए? क्या हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे भागलपुर की जनता ने इसलिए हमें वोट दिया था कि कांग्रेस गलती करती रहे और हम जाके क्लैपिंग करते रहे? उन्होंने हमें इसलिए भेजा है कि अगर वो गलती करे सत्ता पक्ष भी तो उसके नकेल को हम थामने का काम करें, इसलिए पार्लियामेंट में गए। लेकिन नहीं, महंगाई पर 7 बार चर्चा हुई, महंगाई बढ़ी कि नहीं? लेकिन नहीं थाम पाए ना, तो रूलिंग पार्टी थामा है ना, कांग्रेस को मजबूर करेंगे, संसद में लड़े और सड़क पर लड़ेंगे। सड़क के ऊपर हुर्दिंगबाजी शुरू हो जाती है, कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं, इधर भी फंस रहे हैं और उधर भी फंसते हैं। कांग्रेस गलतियां करती रहे तो देश की जनता को जगाना, हम जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा हैं, जनता को जगाएंगे। कांग्रेस की जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार, उसको जगाने का काम कीजिए। आप लोग कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को नीचे रखेंगे? हम लोग पेट्रोल और डीजल के जो सरकारी खर्चा है, मंत्री जी मजा कर रहे हैं, लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं, 14 का स्टाफ चल रहा है, विदेशी दौरा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, क्या सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार सरकारी खर्चे में कटौती करेगी? क्या उनके मंत्री कहेंगे कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे? क्या कहेंगे कि आर्थिक मंदी? आप लोग तनख्वाह नहीं लेंगे? हम तो सांसद हैं। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस नीचे लाएंगे? एकदम लाया ना। ये इराक ईरान वाली जंग किसके वक्त में हुई? भारतीय जनता पार्टी जब हुकूमत में थी तो जंग हुई, पेट्रोलियम के दाम में आग लगी थी, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़ने नहीं दिए, किरासन तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए। आज ये सरकार है, कभी डीजल का दाम बढ़ा देती है, कभी पेट्रोल का बढ़ा देती है।
और जब चुनाव आता है तो नहीं बढ़ता, जैसे चुनाव खत्म संसद खत्म। अगर कहते हैं कि रेगुलेशन नहीं है, डीरेगुलाइज है, तो आप ये बताइए कि संसद के सत्र के बाद क्यों बढ़ता है? क्या वो कंपनियों को मालूम है कि संसद चल रही है? एक आम आदमी को उम्मीद थी कि कम से कम मॉनसून सेशन में शायद लोकपाल जो दफन हो गया है इतनी सारी चीज़ों के नीचे, कहीं बेचारा उठ के कोई आवाज़ तो उठाएगा। आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। देखिए, देश को निराश नहीं होना है। हम निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई लोकपाल को टाल नहीं सकता। भले जो लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग अपनी पार्टी बनाने में बिजी हो गए, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सेलेक्ट कमेटी में, लोकपाल की लड़ाई हर भारतीय की है जी। अरुण जेटली उस सेलेक्ट कमेटी में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने इस फर्ज को समझती है और लोकपाल हम मजबूत और सशक्त बनवा कर दम लेंगे। अभी सेलेक्ट कमेटी में है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है उसमें। हमें ऐसा लग रहा है कि इसको बड़े एक अच्छी तरह से खींचा जा रहा है। नहीं, बीजेपी 2013 तक ले आएंगे, बीजेपी के फिर एक गेम खेला जाएगा कि भाई लोकपाल आने या नहीं आने से किस पार्टी को फायदा होगा, तब सोचेंगे इसको लाएं कि नहीं लाएं। भारत की किसी को चिंता नहीं हम है। टलने नहीं देंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई लोकपाल को टाल नहीं सकता। लोकपाल की लड़ाई को हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे और हम देश को बढ़िया लोकपाल बिल देंगे। बीजेपी कांग्रेस को कोई मौका भागने का नहीं देने वाली। कोलगेट बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आपसे बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी। आपने कोल मिनिस्ट्री संभाली है कुछ समय के लिए, लेकिन उस टाइम क्या प्रोसीजर था अलॉटमेंट का? देखिए, हमारे पास तो कभी एनडीए सरकार में किसी ने पैरवी भी नहीं की कि कोल चाहिए, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस वक्त कोल बहुत सस्ता था। और जब 2004 में ये सरकार आ गई तब कोल में आग लगी। पूरी दुनिया में जो रिसेशन था वो गया और आयरन में, स्टील में, सभी चीज़ों सब में लोगों को कोल ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने गलती कहाँ की है कि अगर आपने एक बार कहा कि हम ऑक्शन करेंगे 2004 के बाद, 6 के बाद कहा, और ऑक्शन किया नहीं, उसके बाद आप कानून बनाने गए पार्लियामेंट में, या तो वेट करते कि अब कानून बन रहा है तब हम देंगे, तो आपने ऑक्शन का नाम ले लिया और चुपचाप कोल ब्लॉक देते चले गए, बिना स्क्रीनिंग कमेटी के भी दे दिया। इसलिए सरकार ने जो गलती की है वो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती है कि जब कोल की बात करते हैं तो कहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर्स ने चिट्ठी लिखी, हमारे चीफ मिनिस्टर कह लिख दें कि भारत रत्न दे दीजिए शाहनवाज हुसैन को, तो क्या दे देंगे भारत रत्न हमको? हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप कहीं जाना नहीं। हमने उठाए चंद कदम, अप्रवासी भारतीय मूल और विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, होटल व्यवसाय को दिया औद्योगिक गतिविधि का दर्जा, रूपांतरण शुल्क समाप्त, जनजाति बाहुल्य और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष उत्पादन प्रोत्साहन राशि, महिला उद्यमियों को 25% और निशक्त उद्यमियों को भूमि आवंटन में 50% की छूट, औद्योगिक क्षेत्र में 500 से 1000 श्रमिकों के आवासों पर विकास शुल्क में 50% और 1000 से अधिक श्रमिकों के आवासों पर 75% की भारी छूट, औद्योगिक भूखंडों पर अब 15 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की सुविधा। और नतीजा, औद्योगिक विकास को मिली नई गति, उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रीको। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई जिधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में, टायर में, डिब्बे में, प्याले में, हर जगह पनपता है। ड्रम कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है।
बैराठी सर्वोत्तम फुटवेयर कंपनी। चलिए शर्मा जी, हो गया सारा काम। एक मिनट गोयल साहब, ये लाइट और पंखे बंद कर दूं? अरे घर चलिए शर्मा जी, पियोन आके कर देगा। नहीं गोयल साहब, आप जानते हैं पियोन के आने तक कितनी बिजली वेस्ट हो जाएगी, और पावर प्लग वाले उपकरण तो बंद होने के बाद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। अगर हम ऑफिस से जाते समय बिजली के उपकरण बंद करने का ध्यान रखें तो काफी बिजली बचा सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिल्कुल याद रखूंगा शर्मा जी। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नए घर का नक्शा पसंद आया? नक्शा तो ठीक है, लेकिन इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ पर है? उसकी क्या जरूरत है, वैसे भी वहाँ बोरवेल में तो खूब पानी है। अजी आज तो बोरवेल में बहुत पानी है, लेकिन कल जब जमीन में ही पानी नहीं बचेगा तब कहाँ से लाएंगे पानी? मतलब कि हमें वर्षा जल की एक एक बूंद को जमीन में सहेज कर रखना होगा, तभी तो हम भविष्य के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। बात ठीक है, मैं आज ही नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को जुड़वाता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हुसैन साहब, द फेस ऑफ बीजेपी, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि आपकी कम्युनिटी में एक फुटहोल्ड और एक ट्रस्ट गेन कर सके भाजपा। आपका चेहरा आपकी कम्युनिटी के लिए, भाजपा की सेक्युलर इमेज। देखिए, मेरा चेहरा ऐसा नहीं है, मैं कोई फिल्मी कलाकार नहीं हूँ जो बीजेपी हमारा चेहरा देकर लेकर जाएगी। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 32 साल में, मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। यस। और हमने कोशिश की है, मैं आज तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मैंने कोशिश की है कि वो जो एक दौर था कि आज़ादी मिल गई, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, और उसको बाद मुसलमानों को कहना कि तुम्हें भारत में रहना है तो कांग्रेस के साथ ही रहना है, हम तुम्हें बचा सकते हैं, ये मिथ्या जो था ये तोड़ दिया है, ये जो भ्रम था ये टूट गया है। अब जो काम करेगा वही मुसलमानों पर भी राज करेगा, उनके दिल पर भी राज करेगा, और इसलिए बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हमारी पार्टी जैसी थी वैसी है, हमने अपने में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन हमारे बारे में जो इमेज थी, वो इमेज लोगों का जो परसेप्शन बना था, जो दुष्प्रचार था, वो कम हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी न कल सांप्रदायिक थी, न आज सांप्रदायिक है, न आने वाले दिनों में होने वाली है, लेकिन एक इमेज बना दी कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, और ये कह के सिर्फ अकलियत का वोट लेना, उनके मोहल्ले में जाना, एक टोपी पहनना, ईद पे गले मिल लेना, इससे नहीं होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों का पर कैपिटा इनकम क्या है, उनको भागीदारी मिल रही है कि नहीं, समाज में मुख्यधारा में है कि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि हम भारत के मुसलमानों को भी राष्ट्र के मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं, हम उन पर एहसान नहीं करते, और जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एहसान करती हैं, काम नहीं करती। 1999 में आप ऑल इंडिया यूथ बीजेपी के सेक्रेटरी रहे, उसके बाद ऑल इंडिया बीजेपी के 2006 में आप सेक्रेटरी रहे, और आज आप नेशनल प्रवक्ता हैं। हाउ मेनी ग्रास रूट लेवल पे कितने आपके कम्युनिटी के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं? ये सही है, मैं स्वीकार करूंगा कि पहले बहुत बड़ी तादाद में अकलियत के लोग बीजेपी में नहीं थे, लेकिन आज मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कोई मोहल्ला नहीं, गली नहीं, कोई मंडल नहीं, कोई ज़िला नहीं जहाँ बीजेपी का काम अकलियतों में नहीं होगा। हम ग्रास रूट तक पहुँचे हैं, और ठीक है कि एक शाहनवाज हुसैन से काम नहीं चलेगा, हज़ारों शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और वैसे लोग खड़े हो रहे हैं। असीम त्रिवेदी जी के अरेस्ट के ऊपर आपने कहा कि ये गलत है, आप उसके इनके कार्टून्स को, जो उनका सटायर था, उसको सपोर्ट करते हैं? हम कार्टून के पक्ष और विपक्ष में नहीं हैं, हम उस तरीके के विपक्ष में कि देश में इमरजेंसी नहीं है, कानून अपना काम करे। अंग्रेज़ ने एक कानून बना दिया कि लाट साहब के खिलाफ कुछ कर दीजिए तो सीधे राष्ट्रद्रोह होगा, तो अभी भी लाट साहब का राज नहीं चलेगा कि इमरजेंसी की याद दिला दीजिए कि एक पत्रकार कुछ लिख दे, कोई कार्टून बना दे, तो उसके अगर उसने नियम का वायलेशन किया है, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, उसकी अलग धारा बनाइए कि उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा कैसे हो गया। ममता बनर्जी की क्लीन इमेज है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तो वो भी अगेंस्ट है, उसके लिए क्या कहते हैं आप? कार्टून्स के अगेंस्ट तो वो भी हैं। ममता जी खुद बहुत अच्छा कार्टून बनाती है, कई बार हम लोग दूसरों का बनाती होंगी जी, बैठे थे तो तुरंत बना देती थी, हमें दे देती थी, तो इसलिए
आपने उनको एडवाइस किया कि छोड़ दीजिए यूपीए? नहीं, मैंने उनको, मैं ममता जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, मेरे से उनके उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। आपका स्नेह आशीर्वाद तो बहुतों के साथ रहता है, आपकी इफ्तार पार्टी में देख लिया। तो मैंने ज़रूर प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जहाज़ पर FDI रिटेल आ गया है, उसका बोझ है, कोयले का बोझ है, महंगाई का बोझ है, डीजल लद गया है महंगा, इसलिए वो जहाज़ डूबने वाला है और उस पर जो लोग रहेंगे वो भी डूबेंगे। हमारे गृह मंत्री शिंदे जी ने अभी एक बयान दिया कि लोग जैसे बोफर्स को भूले हैं तो उस तरह से कोलगेट को भी भूल जाएंगे। भाजपा को बहुत आपत्ति हुई, सच है, लेकिन ये हमारे देश की जनता की बहुत छोटी मेमोरी है, आपत्ति क्यों हुई? एकदम मेमोरी छोटी नहीं है। तो अगर मेमोरी छोटी नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं होती? नहीं, नहीं, नहीं। बोफर्स हम भूल चुके हैं। सरकार आना नहीं आना ये अलग बात है, बोफर्स को कोई नहीं भूला है। अगर बोफर्स को भूला जाता तो जब शिंदे साहब नहीं भूले तो फिर देश कैसे भूलेगा? सब लोग जानते हैं कि बोफर्स में दलाली हुई, किसने ली किसने नहीं ली ये एक अलग सवाल है। शिंदे साहब सदन के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उनको हंसने हंसाने का काम नहीं है। उनको जो आसाम में दर्द है, जो नक्सल का दर्द है, वैसे आंसू पोंछने की जिम्मेदारी है। हंसाने के लिए राजू श्रीवास्तव काफ़ी है, उसके पेट पर लात न मारे शिंदे साहब। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर आपका बहुत दिल दुखा, क्योंकि एक तरह से एक इंसान कुछ गलत करता है तो चाहे वो अभी अमर जवान ज्योति मुंबई में इंसिडेंट था या अभी ये हुआ, पूरी एक कम्युनिटी को ब्रांड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया वो ठीक नहीं था। वो क्या कहना चाहते थे ये समझ में नहीं आया। वो अगर कह रहे हैं कि आसाम के मुसलमान जाहिल हैं उनके हिसाब से, तो जिम्मेदारी किसकी है? साथ हुकूमत आपकी रही, जिम्मेदारी लीजिए, देश से माफ़ी मांगिए कि आपने वहाँ के मुसलमानों की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। वो किया नहीं। और हमारा कहना है कि आप ये कहकर उनकी आबादी बढ़ रही है ये कहना, अगर यही बात कोई BJP के नेता के ज़बान से कह दी जाती तो इस मुल्क में हंगामा हो जाता। और कुछ लोग इस मामले में बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, BJP के नेता की ज़बान से एक छोटी सी बात को पकड़कर पूरे देश में हंगामा करने वाले लोग। तरुण गोगोई के बयान पे खामोश रहे, सिर्फ शाहनवाज हुसैन ने एतराज़ किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तरुण गोगोई के इस बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर और बड़े बड़े नेता बने हुए? उनको जवाब देना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वहाँ घुसपैठ के वजह से आबादी बढ़ी है, और कांग्रेस का मानना है कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए आबादी बढ़ रही है। ये कितना गैर वाजिब उनका बयान है, इसकी हमने मेरे को एक बात कभी समझ में नहीं आती है कि चाहे वो हमारी रूलिंग पार्टी हो चाहे वो हमारी ऑपोजिशन हो, जब तक आग लग के घर नहीं जल जाता हमें चिंगारी भी नज़र नहीं आती। असम की प्रॉब्लम भाजपा ने भी रियलाइज़ नहीं करी, कांग्रेस ने भी नहीं करी, जब सब कुछ एकदम जिसे कहती हूँ मैं फट गया या घर में आग लगी तब हम लोग जागे। आप लोगों को नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है? भाजपा ने तो इतना बड़ा आंदोलन किया बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ, हम तो शुरू से कह रहे थे सब कुछ मोमेंट्री क्यों होता है? मोमेंट्री नहीं, बीजेपी ने तो इसके लिए शुरू से, जब से आसाम की प्रॉब्लम है 47 के बाद, जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये देश बट गया, जो पाकिस्तान चले गए चले गए, जो बांग्लादेश गए गए। हम भारत के मुसलमानों को रोजी रोटी नहीं दे पा रहे, और ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि बांग्लादेश से या पाकिस्तान से कोई आ जाएगा उसकी चिंता हम करेंगे। भारत के जो मुसलमान हैं उसके लिए बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए, ये मैं BJP के प्रवक्ता के तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन बांग्लादेश से लोग आएंगे तो बांग्लादेश की सरकार उसकी फिक्र करे, हम क्यों फिक्र करें उसकी? रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में बिल्कुल उलझ के रह गया है। जिनकी आबादी है उस आबादी के तनासब से उनको उनका ध्यान रखना होगा अगर वो पिछड़ गए हैं तो। कब तक? इसको मंडल कमीशन को तो हमने स्वीकार किया है ना, मंडल कमीशन के खिलाफ भारतीय तो जनता पार्टी आजीवन हमेशा के लिए जब हाँ, तक भारत रहेगा तब तक। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि सब लोग बराबर हो जाएं, सब लोग एक जैसी इनकम हो, सबको एक जैसा स्कूल मिले, सबको एक जैसा रोजगार मिले, और ये प्रयास अभी तक कांग्रेस की गलती की वजह से हुआ नहीं है। हम हुकूमत में थे, हमने करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार। तो ये थे शाहनवाज हुसैन। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।